बार इनके नाम लिख दिए ना तो ये बात पूरे भदोही में फैल जाएगी। जब ये बात देवर जी के पास पहुंचेगी तो वो उल्टा पैर घर वापस लौटाएंगे, बता रहे हैं हम आपको। भैया जी, बाबूजी जी, बुद्धि दे अपनी बीवी को। अरे चिढ़े हुए हैं अपने बेटे से, नफरत नहीं ना करते कि उसका हक मार ले? सबके सब चोर हैं इस घर में। हाँ हाँ, चोरी तो हैं हम। एक तो हम परिवार को जोड़ने की बात कर रहे थे, ऊपर से बाबूजी हम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण, सत्य का आपने माते, यदि महादेव ने कोई वरदान दिया है तो हमें पूर्ण विश्वास है अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को स्मरण रखते हुए ही दिया होगा। अंततः देवों के देव महादेव हैं वो। हर हर महादेव। कि नहीं आपको, बाबूजी को, इनको सबको देखकर हमको खाली एक ही डर लगा रहता है कि अब ना जाने घर में पता नहीं क्या होगा। अरे सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, हम करेंगे सब ठीक। और चलकर रसोई में खाना बनाओ। सांप का तो पता नहीं, पर गिरगिट जरूर देखिए घर में। आप ना खाली सांप और गिरगिटन पकड़ते रहिए, हम इस घर में काम कर करके मर जाएं। अब काम तो करी लो। देवराज इंद्र, हमें शीघ्र अति शीघ्र एक यज्ञ का आयोजन कर माता संतोषी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हम यज्ञ अवश्य करवाएं। यज्ञ का प्रस्ताव हमने इसलिए रखा क्योंकि देवराज को यज्ञ देवी पौलमी के साथ मिलकर करना होगा, और बाध्य होकर ही सही, किंतु यदि देवी पौलमी ने एक बार आपकी आराधना कर ली तो उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि संतोष की वृष्टि से शांत होने लगेगी, जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है। रेंद्रेस, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। रख लो, हमको लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ जी, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिटवा से बात कर रहे हैं। जानते हैं, पर इंद्रेश की बीवी होने के नाते ही आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप बाबूजी को बताकर यहाँ आई होती तो हम पैसे जरूर रख लेते, बाकी अभी नहीं रख सकते। और हमारे ख्याल से आपके बेटे की भी यही राय होगी। सही कह रही हैं अम्मा, हमें पैसे नहीं रख सकते। ये बात कोई नहीं समझता। ए बाबू, चलो जरा बाहर चलना है। इतनी रात को कौन सी मीटिंग में जाइएगा बाबू? ज्यादा प्रश्नोत्तरी ना करो, चुपचाप चलो बस। हाँ चलिए। करनी पड़ेगी, अंततः आप हमारी पत्नी हैं और ये हमारा आदेश है।
रंगिनी तरंगिनी प्रस्तुत हो। देवी पौलोमी, आपने हमें क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। देवी आज्ञा दें। ध्यान से सुनो तुम दोनों, यज्ञ पूर्ण होने तक देवराज इंद्र की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम दोनों का है। अब ये पक्षी हमारी सुरक्षा करेंगे देवी? अब ये क्या है देवी? माया। हाँ जी, अभी तक आपका अखबार नहीं खत्म हुआ है? पूरा याद करके मानेंगे का? अरे माँ, अब आज तक नहीं समझे, पापा जो ये अखबार पढ़ते हैं ना, ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको काम करते हुए अकेला महसूस ना हो। ये देखिए, बेटा समझ गया है, लेकिन आधी जिंदगी जिसने साथ में गुजार ली हो, वो हमरे इस प्यार को समझ ही नहीं पा रही है। तुम दोनों बाप बेटा ना, फिरकी ना लो हमरी। अरे माँ, फिरकी नहीं ले रहे, हम तो सही दो बात कह रहे हैं। ये का, तुम जूता पहन के अंदर आ गए? अरे चलो बाहर जाओ तुरंत। जा रहे हैं माँ। अरे गलती हो गई माँ, पता है मंदिर जा रहे हैं माँ, जा रहे हैं। हसंग सिंह जी, आप जो कहेंगे हम देंगे। इंद्रेश, हमार बेटवा तुम्हारे बेटवा के बदले में हमार बेटवा, अपनी बिटिया से कहो कि हमारे बेटवा को आजाद कर दे, मैं तुम्हारे बेटवा को दुनिया से आजाद कर देगी। चलो रे। अरे चलो बे। अरे बात है, नहीं मानी तो बिटवा टाटा बाय बाय हो जाएगा। कब ले गए हमारे बिटवा को ना, हम ही उसे लेके आएंगे। अरे सुनिए, अरे अर्चना जी। भोलेनाथ से हर दिन धन्यवाद करते हैं कि तुम हमें मिली, काहे कि तुम साथ होती हो तो लगता है ये सारा जहान साथ है। स्वाति उठो। माँ उठो, चलो हमरे साथ। आपकी नौकरी गई, हम चुप रहे। जेल भेजा, हम चुप रहे। लेकिन आज तो हद ही पार हो गई, हमारे बेटा को उठा के ले गए हैं। अरे हमारे बेटा को कुछ हो गया ना तो कहाँ जवाब देंगे अपने आप को? पर माँ हमने एकदम चुप कहा जाती हो, हमारे बेटा को मार दे वो लोग। देखो स्वाति, तुम्हारे प्रेम की खातिर हम अपने बेटा की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। चलो चुपचाप। ऐसा कहाँ हो गया? अरे होता नहीं है अम्मा, हमारे बाबूजी करते हैं समय को परिवर्तित। आया भाई, ऐसा का तीर चला दिया सिंहासन वो ने आज? अरे किया क्या होगा दादी, किसने किसी को उठा लिया होगा बाबूजी ने। बहुत सही दिन किया, ये होता है खून का रिश्ता, एकदम करेक्ट बोली है। अरे किसी को भी उठाओ, किसी को भी बैठाओ, हमको तो बस अपना बेटवा चाहिए। लो आ गए अम्मा। ले। माँ बोल रहे हैं हम अपनी बिटिया को घर ले आए हैं, आप अब हमारे बिटवा को छोड़ दीजिए। बहन जी ऐसा है कि मूड थोड़ा चेंज हुआ है, अब पता की जगह पुत्र मिलेगा, मतलब शहर बदल कर पता भिजवा दीजिए, आपके पुत्र देव को हम भिजवा दें। पर बाबूजी ये तो गलत है ना, हमारा मतलब है कि आप बात से मुकर नहीं रहे। है बेटवा, दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं कि कहीं तुम फिर से प्रेम गाथा न गाने लगो उस नलकूप विवाह की बिटिया के पास। कि आप देवी संतोषी की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ करवा रहे हैं,
अब शुद्ध मन से उनकी आराधना कीजिए, देखिएगा सब कुछ मंगलकारी होगा। देवराज इंद्र, आप अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखिए। वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। रुको! कोई अपनी जगह से हिलना मत। इंद्र जी कहाँ है? टाइम पास का नतीजा और हमरा भाई होने का सबूत। पकड़ा गए हो क्या तुम? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर, इन्हीं को किडनैप किया गया। गोडाउन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, इसलिए चुप्पे चाप शांति से हमारे साथ चलो। सादी गर्मी निकालते हैं। माथा भन मना रहा है, ऊपर से इनका लाउड स्पीकर अलग से। नाम तो तब स्मरण होगा ना जब ये देवी पौलमी हो, किंतु सत्य तो यह है कि ये देवी पौलमी है ही नहीं, और इसका प्रमाण है हमारे पास। अनेक विचार कीजिए माते, यदि एक असुर कन्या है तो यज्ञ में आहुति देते समय ये हमारे बाती अपने दाहिने हस्त का प्रयोग क्यों कर रही थी? ने तो अपने बाएं हस्त का प्रयोग करना चाहिए था, है ना देवी पौलमी? उत्तर दीजिए हमें। हम भले ही असुर कन्या हैं देवर्षि, परंतु हमारा विवाह देवलोक में हुआ है और हम स्वयं को देवलोक के अनुसार ढालना चाहते हैं, और सदैव हम अपने मायके की रीतियों और नियमों का अनुसरण तो नहीं करेंगे ना। हम देव कन्याओं का गुण अपनाकर असुर लोक से होने की जो अशुद्धता है उसे शुद्ध करना चाहते हैं। अब इसमें कोई समस्या है तो बताएं देवर्षि, या आप चाहते हैं कि हम सदा सदा के लिए असुर कन्या ही बने रहें? हमारे कहने का तात्पर्य वो नहीं था देवी पौलमी। शांत हो जाइए देवर्षि नारद, कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं ये केवल आपका अनुमान है, या कोई प्रमाण भी दे सकते हैं आप? इस बात का सबूत है। हाय हाय, तो आपके भैया जेल चले जाएं, वो मंजूर है आपको? वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे बाबूजी पर निर्भर करता है, और अगर गए भी तो अपनी करतूतों की वजह से जाएंगे। हमने तो अपने साले को छुड़वाया और अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाया। देख रही अर्चन, हीरे जैसा दामाद मिला है हमें, और तुम इन दोनों को अलग करने के बारे में सोच रही थी। सिंहासन सिंह जी, बच्चों की बातों से तो यही लग रहा है कि ये केस थाने में नहीं, यही सुलझेगा। कोनो काला पानी नहीं कि वहां मर जाएगा, घंटों में छुड़वा लेंगे। हाँ तो कितनी बेइज्जती होती है जेल जाने से। और हमको पता है कि आप देवर जी को ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप हर बार हमारे पति को ही काय बलि का बकरा बनाते हैं। लवली ठीक कह रही है बाबूजी। अरे कहाँ कह रहे हैं आप, हम कहाँ जाएंगे जेल? अरे हम जेल जाएंगे तो सब हंसेंगे हम पर, कहेंगे लाउंडा उठाने गए थे, खुद ही उठ के जेल चले गए। अरे बच्चा तक नहीं डरेगा हमसे भदोहिया शहर में, और ये इंद्रेश्वर तो पागल हो गया है। चने कहा करना चाहता है वो, हमको नहीं जाना है जेल, हम नहीं जाएंगे। माँ बाप पे कमाल, भैया हम दरवाजा भी दिखाना पड़ेगा का? जा रहे हैं, और परेशान होने की और करने की जरूरत नहीं है।
चलते हैं अम्मा। बात न मान के तुमने अच्छा नहीं किया नलकूप विभाग, इलाका छोड़ के चले जाते तो अच्छा था। हमारे बेटे ने तुमसे रिश्ता निभाया ना, तुम देखो हम दुश्मनी कैसे निभाते हैं। अवसर मिला माता पार्वती, आपने स्वर्ग लोक आकर हमें अनुग्रहित किया, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। देवराज, प्रसन्नता हुई जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। अब हम भी प्रस्थान करते हैं। तुम्हें मना कर रहे थे, पर गुस्से में तुम किसी की सुनती कहां हो? भाजी, गुस्से में हम कई बार वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप तो बस अपनी बेटी ही ले गई, और हमारी अम्मा, उन्होंने तो हमें घर से ही निकाल दिया। सबका अपना अपना प्यार। कोई चिंता की बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब बहुत रात हो गई, हम लोगों को घर निकलना चाहिए। हम लोग भी निकलते हैं। अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखें। हमें हमेशा लगता था आपको दीदी का रिश्ता गलत है। हमें लगता था आप दीदी की खुशियों के लिए कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। और आपको एक बात के लिए और थैंक यू कहना है, अगर आज आप वहाँ नहीं आए होते, पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करते। हमें बचाने के लिए थैंक यू। देखो अनुज, जब तक हम हैं, इस परिवार पर कभी कोई आशा नहीं आएगा। सोचा तभी तो अम्मा का मान रखने के लिए चले गए उनके साथ, क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि हमरा इंद्रेश हमको लेने जरूर आएगा। इसलिए हमने कोशिश भी नहीं की। बहुत खूब, ऐसे बोल रही हो जैसे सब कुछ जानती। सब तो नहीं जानते, पर अपने इंद्रेश के बारे में सब जानते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। बातें बहुत अच्छी बना लेती हो। प्रकार की कोई भी कामना नहीं रही। ये क्या दुष्टता है? स्मरण रखो कि तुम किसके सामने बात कर रही हो। हमारे समक्ष देवी संतोषी की प्रशंसा। हम तुम्हें इसी क्षण स्वर्ग लोक से निष्कासित करते हैं। जब दर दर भटकोगी तब ज्ञात होगा कि स्वामी के विरुद्ध बोलने का क्या परिणाम होता है। जैसी आपकी आज्ञा देवी पोलोनी। वैसे भी अब मेरा सारा जीवन देवी संतोषी माँ की आराधना, उनकी प्रार्थना और उनके प्रचार में ही व्यतीत होगा। आप मुझे आज्ञा दे महाराज।
किंतु संसार में कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होते और संतुष्ट नहीं होते। नारायण नारायण, अद्भुत, अति अद्भुत माते, नित्य सुख और प्रसन्नता का कितना उत्तम बखान किया है आपने माते। कदाचित इसी कारण माते देवों के देव महादेव ने नटराज का रूप धारण किया था, ताकि मनुष्य नृत्य के महत्व को, उसके प्रभाव को समझकर उसे अपने जीवन में उचित स्थान दे और सदैव प्रसन्न रहे माते। नारायण नारायण। सारी मेहनत खराब हुई। बहुत अच्छा डांस किया अंद्रेस, बहुत अच्छा डांस है तुमरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा प्यारा। अब चलो खाना ठंडा हो जाएगा। एक और डांस आता है, करके दिखा, फिल्मों से सीखा है। वो रंग भी कहते हैं कि आपका बेटा अपने घर में रहे। इंद्रेश पहले आपका बेटा है माजी, उसके बाद हमारा पति। आप हमको एक मौका देके तो देखिए, हम भी अच्छी बहू साबित हो सकते हैं माजी। आपका, बाबूजी का, सभी लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। और हमरा यकीन मानिए, इंद्रेश को उनके घर वालों से दूर करना हमारा इरादा नहीं था, सच्चे। तुम उसको अपनी उंगलियों पे तो न चाहती हो ना? अब घर ले आओ तो हम भी जाने कि कहां सच है। वैसे जानने की जरूरत ना अम्मा, एक सांस में पूरा खाना खा जाते थे, वो बचपन था अम्मा, अब हम बड़े हो गए। अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन हमारी ममता अभी भी वही के वही है। और देख लो, आज हम मजाक नहीं कर रहे, आज हम एकदम सच बोल रहे हैं। अभी गांव के वो मंदिर में जाके क्या तुम्हारे लिए आचल पहला पहला के मन्नते मांगे थे ना, उसके पास वाली खाई में अपनी जान दे देंगे। फिर भगवान देखेगा कि तुम्हारी माँ का है और बेटा का। अब फिर तो आओगे ना हमारे घर में अपनी अम्मा की चिता को आग देने। माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी कहाँ है? अम्मा को पता हम जा रहे हैं मरने।
हम इंद्रेश की कसम खाते कल उनको वापस घर लेकर आएंगे और जो ना ला पाए तो हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। धीरे करके ना सब मान जाएंगे और हमको भी धीरे धीरे वो घर में अच्छा लगने लगेगा इंद्रेश, और तुम्हारे घर वालों को भी हमारा साथ नहीं चुभेगा। प्लीज एक बारी के बारे में सोच के देखो। कछु नहीं सोचना है हमें, घर वालों के बारे में सोचते हैं दिमाग फटने लगता है हमारा, और अच्छा होगा इस बारे में तुम भी अपना दिमाग ना लगाओ। इंद्रेश, इंद्रेश सुनो, सास ससुर ससुराल की भूखी है वो लड़की। अरे अगर फिर भी नहीं आती तो करते कुछ जुगाड़। पर तुमको बहुत बड़ी अपनी अम्मा के प्राणों की है? अम्मा, तुम हमारी अम्मा हो। वैसे तुमको क्या लगता है भैया के बारे में, तुम जोरू का गुलाम मानेगा? चोरू का गुलाम चोरू की भागता है, नचा नचा कर ये ही आएगी बॉस को। चली जाओ यहाँ से, हमें मनाने की कोशिश मत करना। सही है, चले जाएं। अभी का क्या करे, गुस्सा है और बात नहीं करनी तो ठीक है ना, इंसान चाय तो पी ही सकता है ना। एक बार सोच कर तो देखो ना, माँ जी खुद हमारे घर आई हैं। इका मतलब हमको स्वीकारना चाहती हैं। तो फिर तुम काहे पीछे भाग रहे हो? हम पीछे नहीं भाग रहे हैं, पीछे कर दिए गए हैं हमारे घर वालों से। इंद्रेश मान जाओ ना, हमको अपना पूरा परिवार के साथ रहना है, जिसमें सास ससुर ननद भाभी सब हो। हमको अपना परिवार चाहिए इंद्रेश, प्लीज। चल। जेठ जी बुला सकती है, वैसे हम नए रिश्ते का ना बहुत स्वागत करते हैं। बिटिया, संसार की सबसे शक्तिशाली चीज प्रेम है, जो बिछड़े रिश्ते जोड़ने की और नया संसार बसाने की ताकत रखता है। इसलिए तू जरा भी चिंता मत कर अपनी नई गृहस्थी के लिए, हम सब है ना। अब हो गई सारी परेशानी हल, अब प्रेम से व्रत करो, और वो भी जोर शोर से अपने घर वालों के साथ। अम्मा अपनी बहू का ख्याल रखना, हम आते हैं। ठीक है बेटा। इससे दृष्टि का विवेक से संपर्क टूट जाता है, ऐसे में रस्सी को सर्प समझने की भूल भी हो जाती है। नारायण नारायण, अद्भुत अति अद्भुत माती, उचित कहा आपने। हम आपका ये उद्देश्य सदैव स्मरण रखेंगे, ताकि हमारे विवेक का दृष्टि से संपर्क न टूटे। किंतु माती, अब हमें आज्ञा दे, हमें शीघ्र अति शीघ्र ही देवी पौलमी से भेंट करने हेतु जाना है। एक हेतु सही माते, तो कौन सी नवीन क्रीड़ा रच रही है? आज्ञा दे माते। नारायण नारायण, दीजिए ना। हाँ तो जान नहीं दे रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ए, चलो निकलो यहाँ से। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं, मतलब अम्मा ऐसे कैसे? ए, रिंकिया, ज्यादा टमाटर करेगी ना तुम्हारा भी जमान बांध देंगे।
नहीं नहीं बाबूजी, हम यही ठीक हैं। अम्मा तुम कहो तो तुम्हारा सामान बटोरने में तुम्हारी मदद कर दें। 5 मिनट है तुम्हारे पास, अपना बुरिया बिस्तरा बांधो और निकलो। आपके कहने का अर्थात ये कि संयम रखने वाला कभी परिणाम को घटना से पूर्व घोषित नहीं करता। जिस कथा का परिणाम आप हमें बता रहे हैं उस कथा का अंत भी हुआ नहीं है, और जो बात आप हमें बता रहे हैं वो तो ये दोनों भी बता देती। किंतु सत्य केवल वो नहीं जो ये देख पाते हैं। खेद होता है हमें ये जानकर कि आप इनके तुल्य दृष्टि रखते हैं। देवी संतोषी के प्रशंसक को इतना कम दृष्टि बोध होगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था। बात फोन उठाओ, मैं तुमसे ज्यादा जानते हैं हम अपने बिटवा को। दरवाजा तो ऐसा न बंद किया है कुंती रानी ने जैसे कोनो युद्ध की योजना बना रही हो। अरे दादी, अम्मा पक्का कोनो जुगाड़ कर रही होगी भैया को वापस लाने का। हे पहाड़ी वाले पापा, सब कुछ हो जाए पर ये छुपके भैया न लौट के आए, ताकि अम्मा कोई घर से निकलवा के हम ही यहाँ के मलकिन बन जाएं और फिर सप्पा हुकुम चलाएं। हे पहाड़ी वाले बाबा, एक बार तो सुन लो हमारी। साजा स्वत अब तुमरा ये फोन हमरा हुआ। कहे कि तुमरे मन में कभी भी इंद्रेश के लिए प्रेम मर सकता है, और अगर तुम बात करोगे वो फिर घर नहीं आएगा। हम जानते हैं इंद्रेश, तुमको अभी हम पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हें परिवार की खुशी के लिए ही कर रहे हैं।